नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 7 दिसंबर के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुफ्ती, युवाओं की पहली पसंद, श्रीचंद मंदिर के ठीक सामने। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड बाबा नगर की गली। संपन्न हुआ फुलवारी कार्यक्रम राम विवाह 8 को। शहर में शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान। कोविड के खतरे को लेकर चलाया गया रोको टोको अभियान। थम गया सिमरी में प्रचार अभियान, मतदान कल। खाद की हो रही कालाबाजारी, धावा दल का नंबर जारी। ट्रेन की चपेट में आए रिटायर्ड फौजी की हुई मौत। साटा में लगा घाटा, वाहन मालिक परेशान। भाकपा माले ने सांप्रदायिकता के खिलाफ निकाला मार्च। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आपको बता दें, बीते दिन सोमवार को नया बाजार सीताराम विवाह महोत्सव में चल रहे सीताराम विवाह महोत्सव के दौरान फुलवारी के दृश्य का मंचन हुआ। इस दृश्य को देखने के लिए देश के अनेक हिस्सों से संत महात्मा, शहर के श्रद्धालु नया बाजार आश्रम पहुँचते हैं। दिन में फुलवारी का कार्यक्रम हुआ। जनक दुलारी की देख छवि न्यारी, अपलक प्रभु निहारे हैं। राम और लक्ष्मण पहली बार जब जनकपुर पहुँचे तो पुष्प वाटिका में ही माता सीता से प्रभु का पहला दीदार हुआ था। कार्यक्रम के दौरान गीत संगीत की ऐसी ठिठोली होती है जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पहले पूज्य मामा जी माली बना करते थे, अब उनके शिष्य सीताराम विवाह आश्रम के महंत राजा राम शरण जी महाराज माली बनते हैं। उनके इस प्रसंग की छोटी सी झांकी आप यहां देख सकते हैं। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया है। सोमवार को रामरेखा घाट एवं पीपी रोड से लगाकर मुनीब चौक तक नगर परिषद, अनुमंडल प्रशासन एवं प्रखंड प्रशासन के लोगों ने मिलकर अतिक्रमण हटाया। इस अभियान में नगर कोतवाल, ट्रैफिक इंचार्ज समेत बक्सर के BDO, नगर परिषद के कर्मचारी शामिल रहे। आप देख पा रहे हैं रामरेखा घाट के मुख्य रास्ते पर अतिक्रमण हटाओ अभियान का यह नज़ारा है। इस दौरान मुनीब चौक तक अतिक्रमण हटाया गया। पूछने पर सदर SDO धीरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया, सड़क पर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वे स्वयं हट जाए, अन्यथा प्रशासन अभियान चलाएगा तो ₹20,000 तक का जुर्माना एक व्यक्ति पर हो सकता है। आपके सामने के दृश्यों का यह नज़ारा रोको टोको अभियान का है। बुलेटिन की यह तीसरी सुर्खी है, बीते दिन कोविड को लेकर जागरूकता अभियान के तहत मास्क न पहनने वालों के खिलाफ रोको टोको अभियान चलाया गया। इस दौरान ₹50 की रसीद भी काटी गई। हालांकि जो लोग मास्क नहीं पहनकर निकले थे उनकी धरपकड़ हुई। साथ ही इस अभियान का नेतृत्व DTO कर रहे थे। नगर कोतवाल आदि लोगों ने मिल करके स्कूल बसों को भी रोककर बच्चों को जागरूक किया। आप मास्क लगाकर जरूर चलें। तो मास्क लगा के यहाँ से जाना है, आना है, मास्क नहीं भूलिएगा। मम्मी पापा बोलिएगा मम्मी मास्क उनको लगाना है, बिना मास्क के नहीं जाना, स्कूल करना, ठीक ना। सारे लोग को, सब लोग को बताइएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, घर से निकलते समय मास्क का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि कोविड के नए वेरिएंट को लेकर खतरा बढ़ गया है। इस सिलसिले में DTO मनोज कुमार से भी बात हुई। मास्क आप पहनिए,
नहीं है तो हम लोग मास्क दे रहे हैं और ये लगातार अभियान हम लोग का चलेगा। आज पहला दिन है और कल इलेक्शन बीत जाता है, कल परसों दो दिन परेशानी, लेकिन सभी हमारे पदाधिकारी ब्लॉक और सब डिवीजन पर लगे हुए हैं और ये अवेयरनेस बोलिए लोगों को कि अभी तक हम लोग बड़ी मुश्किल से फर्स्ट और कोरोना आप लोग साथ में थे, आंखों देखा हाल आप लोगों के सामने है और बड़ी मशक्कत के बाद सामान्य जनजीवन चल रहा है। सामान्य जनजीवन तो हम लोग चाहते हैं कि सामान्य जनजीवन बना रहे, चेतना लोगों में फैले, इसके लिए हम लोग जन चेतना के लिए और सुरक्षित जीवन के लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। अभी एक स्कॉर्पियो बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, 8 दिसंबर को सिमरी में पंचायत चुनाव होने हैं, यहाँ 20 पंचायतें हैं जिसके लिए 303 बूथ बने हैं। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार 154,672 मतदाता इस प्रखंड क्षेत्र में वोट डाल सकेंगे। इसके लिए 8 दिसंबर की सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बीते दिन सोमवार को प्रचार थम गया, आज मंगलवार को चुनाव कर्मियों का दल अपने अपने बूथ के लिए रवाना हो जाएगा। इससे पहले शांति व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन ने बीते दिन सोमवार को प्रखंड की सभी 20 पंचायत क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला, लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही फ्लैग मार्च के माध्यम से वैसे लोगों को कड़ा संदेश दिया गया जो चुनाव में व्यवधान पैदा करते हैं। बुलेटिन की पाँचवीं सुर्खी है, खाद की कालाबाजारी का दौर अभी थमा नहीं है, जिले में गेहूं की बुआई के लिए किसान परेशान हैं, ऐसे में DAP खाद की कालाबाजारी चरम पर है। 900 एवं 1200 रुपये मूल्य की खाद 1500 से लेकर 2000 रुपये मूल्य तक में बेची जा रही है, प्रशासन ने इस पर रोक के लिए धावा दल का गठन किया है। कृषि विभाग के अनुसार एक नंबर जारी हुआ है जो 7903994847 है, इस नंबर पर आप अगर कहीं कालाबाजारी करते किसी दुकानदार को देखते हैं तो उसकी सूचना कृषि कंट्रोल रूम को दे सकते हैं। बुलेटिन की छठवीं सुर्खी है, बीते दिन डुमराव रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से रिटायर्ड फौजी राजकुमार सिंह ग्राम अमीरपुर थाना नवानगर की मौत हो गई। वे जम्मू कश्मीर से अपने गाँव के लिए वापस लौट रहे थे, बीती रात किसी एक्सप्रेस ट्रेन से उतरकर ट्रैक पार कर रहे थे, तभी राजधानी एक्सप्रेस गुजरी और वे उसकी चपेट में आ गए। एक्सप्रेस ट्रेन की गति तेज होने की वजह से उनका सामान जहां तहां बिखर गया जबकि शरीर के चिथड़े उड़ गए। इस दुखद घटना को लेकर लोगों ने अफसोस जताया है। बुलेटिन की सातवीं सुर्खी है, वाहनों की धरपकड़ का सिलसिला डुमराव अनुमंडल में जारी है क्योंकि सिमरी प्रखंड का चुनाव होना है, ऐसे में वाहन चालक काफ़ी परेशान है क्योंकि लगन का समय चल रहा है और गाड़ियों की बुकिंग है। इसको लेकर के एक चालक ने अपनी परेशानी जताई, उसका कहना था हम लोगों को साटा में घाटा लग गया है, लगन के मौसम में चुनाव की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। लगभग खुली गई, लगभग खुली गई, गाड़ी के साटा भी है। ये मेरा साटा है, लेके जाइए, लेके जाइए, जाए का अनुमति मिला था, ऐसे जाए का अनुमति मिला था, क्या कहता है लोग, वो खुली गई तो अब नीचे जाए कोने गाड़ी भी गई ना ना, कल भोर से दिक्कत हो जाएगा, साटा से तो फिर घाटा हो जाए। अबू है, क्या नाम है, अजय यादव। बुलेटिन की आठवीं सुर्खी है, भाकपा माले के सदस्यों ने 6 दिसंबर को डुमराव नगर में सांप्रदायिकता विरोधी मार्च निकाला, बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर इन लोगों का यह कार्यक्रम 2 संदेश लेकर के निकला था। सांप्रदायिकता का विरोध कर रहे यह लोग डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस भी मना रहे थे। अब चलने से पहले आपको बता दें, नई बाज़ार में इन दिनों सीताराम विवाह महोत्सव अपने सवाब पर है। 8 दिसंबर को रात्रि वेला में प्रभु सीताराम विवाह महोत्सव का आयोजन होगा जिसे देखने की ललक लोग अपने हृदय में लिए वहां पहुंचते हैं, इसीलिए हम इस तिथि को दोहरा दें, बुधवार 8 दिसंबर को यहां सीताराम विवाह महोत्सव का कार्य संपन्न होगा। आज की बुलेटिन में बस इतना ही, आप देख रहे हैं बक्सर खबर, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।